वज़ीरे आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देने के लिए मज़ार क़ायद पर पहुँच गए हैं। अब से चंद ही लम्हों पहले वो मज़ार क़ायद पर पहुँचे हैं। यहाँ पर भी वज़ीरे आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ के साथ सूबाई काबीना के अरकान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मुसाफा भी किया जा रहा है। वज़ीरे आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचे हैं, और जैसे ही वो कराची पहुँचे एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया। मुराद अली शाह जो उनके साथ साथी हैं, उनके मुराद अली शाह की काबीना के अरकान उनसे उनका तारुफ कराया गया, और उसके बाद अगले मरहले में वो पहुँचे हैं मज़ार क़ायद बाबा कौम हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए। यहाँ पर वो फातिहा कर पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ से वो रवाना होंगे वज़ीर आला हाउस, जहाँ पर उन्हें एक अहम इजलास की सदारत भी करनी है। तो एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ का इस्तकबाल किया है अपने काबीना के अरकान के साथ। और आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो इमरान ख़ान का दौरे हुकूमत था उसमें सिर्फ़ एक बार वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचे थे, और ये शिकवा करते थे कि जब भी इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म की हैसियत से यहाँ पर आते थे तो उनको मदऊ नहीं किया जाता था। और अब आप ये मनाज़र देख रहे हैं कि यहाँ पर वज़ीर आज़म मज़ार क़ायद पर पहुँच चुके हैं। आज़म मोहम्मद शहबाज इत्तेहादी भी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ के हमराह हैं। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ इत्तेहादियों के हमराह मज़ार क़ायद पर पहुँचे हैं, और मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देने के बाद यहाँ से वो रवाना होंगे वज़ीर आला हाउस जाएंगे, जहाँ पर एक अहम इजलास की वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ सदारत करेंगे। हम देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ के हमराह उनकी इत्तेहादी जमात के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी यानी MQM पाकिस्तान के सरबराह वो भी मौजूद हैं, अकरम खान दुरानी भी मौजूद हैं, एहसन इकबाल जो उन्हीं की जमात से हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो इस दौरे में मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ को वेलकम करने में पेश पेश हैं वो भी उनके हमराह मौजूद हैं। तो इस वक्त मज़ार क़ायद के अहाते में वज़ीर आज़म मौजूद हैं, और अब फूल रखे जा रहे हैं उनकी जानिब से, और अब फातिहा खानी का भी बाकायदा आगाज़ होगा। फातिहा पढ़ी जाएगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ अपने वज़ीर आज़म बनने के बाद पहला मौका है कि वो कराची आए हैं, और कराची आने के बाद उन्होंने इत्तेहादियों के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी है। अब दुआ की जा रही है, फातिहा पढ़ी जा रही है।
तो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ पहुँचे हैं मज़ार क़ायद पर, जहाँ पर उन्होंने क़ायद आज़म के मज़ार पर हाज़िरी दी है और फूल रखे हैं, फातिहा ख़वानी भी की है, सलामी भी दी गई है, पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्तों की जानिब से सलामी दी गई है। और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ मेहमानों के जो तासुरात हैं, वो जो किताब यहाँ पर रखी गई है उसमें अपने तासुरात दर्ज कर रहे हैं। तो ये पहला मौका है वज़ीर आज़म बनने के बाद कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ, एक बड़ी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है। वज़ीर आज़म के कंधों पर एक भारी ज़िम्मेदारी है, कौम को आगे लेकर चलना है, मुल्क को आगे लेकर चलना है, और इस ज़िम्मेदारी को एहसन तरीके से पूरा करना है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये फ़ैसला किया कि वो बाबाए कौम हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी दें, उनको सलामी पेश करें, उनके लिए फ़ातिहा ख़वानी करें, और फिर अब वो यहाँ से रवाना होंगे। उनके साथ ये भी आपको बता दें कि जो इत्तेहादी हैं जिन्होंने भरपूर साथ दिया है वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ का यहाँ तक पहुँचने में, MQM पाकिस्तान, उनका वफ़द भी उनके साथ मौजूद है, जबकि JUI के अकरम ख़ान दुरानी भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उनका वालेहाना इस्तकबाल कर ही रही है। जैसे ही वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ पहुँचे हैं कराची, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। मुराद अली शाह पूरी काबीना के हमरा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ के साथ साथ हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, और हर जिस तरह एक फ़र्ज़ भी होता है सूबे का जो सरबराह होता है, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइनी तौर पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पाकिस्तानी गवर्नमेंट का सरबराह है, वो जब वो किसी भी सूबे में विज़िट करता है तो फिर जो सूबे का सरबराह है वो उसको वेलकम करता है, ये उसके ज़िम्मेदारियों में भी शामिल होता है। तो मुराद अली शाह उनको बड़ा एक्टिव आज हम देख रहे हैं, शाना बशाना है वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ के। और सबसे अहम बात यह है कि ताजरों से यहाँ पर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ ने मुलाकात करनी है, और इसके साथ साथ जो जारी तरक्याती मंसूबे थे जो पिछले दौर में नहीं हो पाए थे, मुकम्मल नहीं हो पाए थे, जिनके ऊपर काम रुका हुआ था, ये दरख्वास्त भी करेगी सूबाई गवर्नमेंट वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ से कि उन मंसूबों के ऊपर नज़रसानी की जाए, उनको दोबारा से मुतहरिक किया जाए। बड़ी तफसील से हमें बताया था संजय साधवानी ने, तो संजय साधवानी ही हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। संजय, हमने ये देखा कि पहले वज़ीर आज़म यहाँ पर पहुँचे, एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल हुआ, मज़ार क़ायद पर उन्होंने हाज़िरी भी दी है, सलामी भी पेश की है, फातिहा ख़वानी भी की है, अब उनका आगे क्या, कराची में उनके जो दौरा है क्या शेड्यूल है उनका? हाँ जी बिल्कुल, वजीर अजम पाकिस्तान मजार कायद पर हाजिरी देने के बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए पोलो ग्राउंड रवाना होंगे। पोलो ग्राउंड में से वो वजीर अला हाउस जाएंगे। वजीर अला हाउस में आज उनकी इंतहाई अहम मसरूफियात है। वजीर अला हाउस सिंध में आज वो कुछ देर के बाद वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वन ऑन वन मुलाकात करेंगे। तकरीबा 25 से आधे घंटे का ये वक्त रखा गया है कि इस मुलाकात में वजीर अला सिंध के जो मसायल हैं वो वजीर अजम के सामने रखेंगे। NFC अवार्ड गुजशत 3.5 साल में सिंध हुकूमत का मौकूफ है कि हमें पूरा नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत सारे मंसूबे सिंध में पाया तकमील मुकम्मल नहीं हो सके, जिसके हवाले से वजीर अजम से दरख्वास्त की जाएगी। एक पूरा प्रपोजल सिंध हुकूमत ने तैयार किया है जो वजीर अजम के सामने पेश किया जाएगा, जिसको हम चार्टर ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। सिंध हुकूमत ने तैयार किए जो नई हुकूमत को पेश की जाएगी। आज जिसके बाद वजीर अजम पाकिस्तान सिंध काबीना के वज़रा से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात का टाइम भी 15 से 20 मिनट रखा गया है। तमाम वज़रा जो महकमा ट्रांसपोर्ट हो, एग्रीकल्चर हो, आपाशी हो, वो अपने मसाइल से आगाह करेंगे। पानी तरफीन का इंतहाई अहम मामला है सिंध में, सिंध के हिस्से को पानी नहीं मिलता, वो मसाइल वजीर अजम के सामने रखे जाएंगे। जिसके बाद जो है वो ताजरों से वजीर अजम पाकिस्तान की मुलाकात होगी। कराची के जो ताजर हैं उनका मुल्की मौशियत में अहम हिस्सा होता है, उन ताजरों से वजीर अजम मुलाकात करेंगे, अपने हुकूमत का लाए वो उनको बताएंगे, ताजरों के मसाइल सुनेंगे और उनसे ये पूछेंगे हम